हमारे साथ तावुन किया है। बैम पब्लिक स्कूल ग्वादर, अ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप्स। कॉन्टेक्ट 0333-339-361। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM Developers। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM Developers। अस्सलाम वालेकुम। मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूं अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नज़र आज की हाइलाइट्स पर। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर हमदुर रहमान ने गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर चलने वाली खबर का नोटिस ले लिया। डीसी की हिदायत पर तहसीलदार और माड़ा नूर खान बलोच और SHO लेवीज थाना और माड़ा बशीर अहमद ने लेवीज जवानों के हमरा मकुरान कोस्टल हाईवे पर वाकई होटल पर कार्रवाई करते हुए गैर मयारी खाने पीने की अशिया और सफाई के फुकदान की वजह से होटल मालिक पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर के हुक्म पर तहसीलदार और माड़ा और SHO लेवीज थाना और माड़ा ने होटल में चेकिंग के दौरान होटल मालिक को जुर्माना आयद करते हुए आइंदा मुसाफिरों को गैर मयारी खाना फरोख करने और होटल में तसल्ली बख्श सफाई न करने पर बाकायदा होटल सील करने की वार्निंग भी जारी कर दी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज एक मुसाफिर की जानिब से मकुरान कोस्टल हाईवे पर और माड़ा के करीब वाके होटल की वीडियो शाया कर दी गई थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि होटल में खाने पीने की अशिया गैर मायावी है, जिसके बाइस बीमारियां फैलने का खतरा है। ग्वादर के तफरीही मकाम कोहे बातिल पर जाने वाला वाहिद रास्ते पर कायम चेक पोस्ट पर मर्दों के साथ साथ अब खवातीन से भी हत्ता कामेज रवैया रवा रखा जा रहा है। कोहे बातिल पर लोग रिहाइश पजीर हैं और ग्वादर के लोग शाम के वक्त तफरी के लिए भी जाते हैं। चेक पोस्ट पर मामूर एहलकार कोहे बातिल पर जाने वाले लोगों को सहूलियात पर रहनुमाई के बजाय उनकी तजलील करते रहते हैं। वॉइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी ग्वादर माजिद जौहर ने नेवल हेड से अपील की है कि वो लोगों की तजलील करने वालों से बास पर्स करके ये सिलसिले को बंद करना चाहिए। बसूरत दीगर कौंसिल के साथ चेक पोस्ट पर धरना दे बैठेंगे वॉइस चेयरमैन का इंतबाह। सिविल सोसाइटी ग्वादर का ग्वादर के स्कूलों में अदम सहूलियात, असातिज़ा की गैर हाजिरी और मुतअद्दिद स्कूलों की गैर फाली पर हाई कोर्ट बलूचिस्तान तुर्बत बेंच में आईनी पिटीशन दायर कर दी गई। पिटीशन की पैरवी मारूफ कानूनदान शकील अहमद जामुरानी ने की। डिविजनल बेंच चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद हाशिम खान काकड़ और जस्टिस अब्दुल्ला बलोच पर मुश्तमिल रहा। फाजिल जस्टिस साहिबान ने आईनी पिटीशन में महकमा तालीम के अफसरान को ग्वादर के गैर फाल स्कूलों को फाल करने, गैर हाजिर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करने और कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर असातिज़ा की भर्ती करने का हुक्म सादर कर दिया। जबकि सरकार की जानिब से एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान मोहम्मद आसिफ रेखी और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल नुसरतुल्ला बलोच ने केस की पैरवी की। नेशनल पार्टी के सूबाई माहिगीर सेक्रेटरी आदम कादिर बख्श और नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मजीद अब्दुल्ला का असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज ग्वादर इफ्तिखार बादीनी से उनके ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात में गुज़िश्ता रोज ग्वादर के साहिल पदीजीर के साहिल पर गुज्जर ट्रॉलर्स की मौजूदगी और गैर कानूनी शिकार पर अपने तश्वीश का इजहार किया। उनका कहना था कि इससे कबल ग्वादर के समंदर में गुज्जर ट्रॉलर्स इतने करीब नहीं आए। ग्वादर के साहिल के करीब गैर कानूनी शिकार करने पर महकमा फिशरीज की खामोशी समझ से बालातर है। मुलाकात में AD फिशरीज ने हज़्ब साबिक महकमा फिशरीज के पास वसाइल की कमी का रोना रोकर अपनी बेबसी का इजहार किया। कौंसलर रफी ख्याल को कई अरसे बाद धरने का ख्याल आ ही गया। हकदो हकीकी के रफी ख्याल ने ग्वादर के साहिल पर सिंध से ताल्लुक रखने वाले ट्रॉलर्स की नमूदारी के खिलाफ बुध के रोज कोस्टल हाईवे सुरबंदन क्रॉस को बंद करने की धमकी दे दी। ग्वादर में मंचले नौजवान साहिल समंदर पर ड्रिफ्टिंग करने लगे। जुम्मे के रोज DC ऑफिस की अकब में गाड़ियों ने ड्रिफ्टिंग की,
जिसकी वजह से एक मंचले की गाड़ी उलट गई। समंदर के किनारे पर मौजूद लोगों ने गाड़ी सवार को निकालकर बचा लिया। वाज़ेह रहे कि ड्रिफ्टिंग की वजह से साहिली समंदर पर आने वालों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन मेल जाहिद हुसैन ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जुम्मे के रोज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वहाब मजीद, जीटीए के सदर नादिल अली व दीगर ने जाहिद हुसैन को सीट पर बिठाकर मुबारकबाद पेश की। जाहिद हुसैन इससे कबल भी इसी मनसब पर फाइज रहे। नाजरीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट टीजीपी पर। मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और टीजीपी की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।